बहुत हद तक शून्य की ओर बढ़ने लगते हैं। आइए अर्ध मत्स्यचंद्र आसन के लिए हमारे शिक्षकों को देखेंगे करते हुए। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ घुटनों पर, दाएं टांग को मोड़ें, बाएं टांग के नीचे से निकाल दें, दाएं पैर की एड़ी को बाएं नितंब से स्पर्श कराएं, बाएं टांग को मोड़ें, बाएं पैर को दाएं घुटने के ऊपर से निकालें, घुटना छाती के साथ लग जाए, दाएं भुजा को बाएं घुटने के ऊपर से निकालें और बाएं पैर के तलवे को पकड़ लें, बाएं भुजा पीछे लेकर के जाएं, धड़ से पीछे की ओर मुड़ते हुए ठोड़ी को भी बाएं कंधे के ऊपर रख दें, रखने का मतलब मोड़ दें पूरी तरह से, और रुके श्वासों को सामान्य कर लें। बहुत धीरे धीरे वापिस आए, दोनों टांगों को सीधा कर लें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, बाएं टांग को मोड़ें, दाएं घुटने टांग के नीचे से निकालते हुए एड़ी को दाएं नितंब से मिला दें, दाएं टांग को मोड़ें, पैर को ऊपर की ओर उठाते हुए विपरीत दिशा में लेकर के जाएं, बाएं भुजा को दाएं घुटने के ऊपर से लेते हुए दाएं पैर के तलवे को पकड़ें, दाएं भुजा पीछे, कमर से पीछे की ओर झुकते हुए रीढ़ से ठोड़ी को ठीक दाएं कंधे के ऊपर ले आएं, श्वासों को सामान्य करें। एक बार लीवर वाला भाग और एक बार पेनक्रियाज वाले भाग पर पूरी तरह से दबाव पड़ने से दोनों ही महत्वपूर्ण अवयव सक्रिय बनने से इस रोग जो हम प्री डायबिटिक जो डायबिटीज की तरफ बढ़ रहा है जो रोगी बनने की संभावना होती जा रही है वह संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी अगर हम इस आसन का अभ्यास रेगुलर करते हैं तो। बहुत धीरे धीरे वापिस आए, दोनों टांगों को खोल दे, उस विश्राम की अवस्था में आ जाएं।